हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम है आप सब लोगों को और स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में हमारे इसी चैनल के जिसका नाम है रिव्यू विद अंश, जहां पे मैं आज आप सब लोगों के सामने ऐसे कमाल कमाल के बढ़िया बढ़िया से प्रोडक्ट्स और गैजेट्स और तो और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी लाता रहूंगा। उन्हें यही आपके सामने टेस्ट आउट करूंगा, उनका रिव्यू दूंगा, आपको उनके बारे में बताऊंगा और तो और मैं उन सबके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता जाऊंगा। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो मैं उसके अमेजोन लिंक डाल दूंगा, और कोई डिजिटल प्रोडक्ट है सो वेल उसकी वेबसाइट का या फिर उसका कोई ना कोई डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल समझता हूँ काफी टाइम से कोई वीडियो आई नहीं है, लेकिन दोस्तों अब रेगुलरली वीडियोज आया करेंगी। एंड दोस्तों सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कमाल कमाल के डिजिटल टूल्स के बारे में जानना पसंद है या फिर वैसे भी जनरली टेक का भी शौक है तो यार ये वाला चैनल आपके लिए ही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, उस राइट सब्सक्राइब बटन को दबा दो और साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आती है आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, ये तो सारी की सारी होगी चैनल के बारे में बातें, अब हम लोग आ जाते हैं मेन बात पे जो हमारा आज का टॉपिक है वीडियो का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है इसका नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हो सकता है नहीं सुना हो। अगर नहीं सुना है तो आज की वीडियो में सुन लो, क्योंकि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद ये वाला नाम काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो आखिर में ऐसी क्या चीज है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग आज बात करने वाले हैं मेटावर्स के बारे में। एंड दोस्तों, ये मेटावर्स कोई मार्वल मूवीज का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके अंदर बहुत सारी रियलिटीज होती है आपस में जुड़ जाते हैं, नहीं, वो मल्टीवर्स होता है। आज हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं वो है मेटावर्स। तो इससे पहले मैं आप लोगों को मेटावर्स के बारे में आगे जाके इन्फॉर्मेशन दूं, पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड चलते हैं और दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो इंटरनेट है, जो हमारा ओवरऑल जो हम इंटरनेट है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल, उस सब की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो दोस्तों, पहले टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा लिमिटेड थी, बैंडविड्थ काफी ज्यादा लिमिटेड थी, तो सब कुछ मोस्टली जो था तब टेक्स्ट बेस्ड चलता था कुछ, मतलब कि जो न्यूज वगैरह होती थी या फिर किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर हम ढूंढते थे वर्ल्ड वाइड वेब पे तो वो हमें मोस्टली टेक्स्ट के फॉर्म में मिलती थी, लिखी भी मिलती थी। लेकिन फिर आगे जाके जैसे जैसे बैंडविड्थ बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट्स होते गए, जैसे जैसे सब लोग और ज्यादा कनेक्टेड होते गए, डेटा सेंटर्स खुलते गए, तो उस टाइम पे दोस्तों टेक्स्ट से जो था ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंटरनेट का पिक्चर्स में, तो मोस्टली काफी सारी इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स के साथ शेयर होने लगी। और फिर दोस्तों धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता गया इंटरनेट का, फिर हम लोग आगे वीडियो बेस्ड इंटरनेट की तरफ। वीडियो बेस्ड इंटरनेट में वेल काफी सारी ऐसी चीजें होने लगी जो काफी कमाल की थी, जैसे कि सपोज कर लो कि कोई टीवी शोज वगैरह हो गए या फिर टेलीकास्ट हो गए, वो सब कुछ अब इंटरनेट पे दिख जाते थे। उसी में ही दोस्तों यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म भी तैयार हुआ, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हुआ जिसके अंदर लोग ऐसी मेरी तरह वीडियोस रिकॉर्ड कर देते थे, एडिट कर देते थे और फिर उसके बाद उसको पब्लिकली रिलीज कर देते थे, और उसके थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन वो पहुंचाना चाहते थे वो पब्लिक तक पहुंच जाती थी, जैसे कि मैं भी आपको दे रहा हूं इन्फॉर्मेशन। फिर दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट और ज्यादा स्ट्रांग होता गया, वेल लोगों ने लाइव स्ट्रीम्स करनी शुरू कर दी, और दुनिया के अगर दूसरे कोने में भी अगर कोई एक्टिविटीज हो रही हो वो हम लोग हमारे फोन पे लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमको ये तो पता चल जाता है कि इंटरनेट हर समय ट्रांसफॉर्म हो रहा है, धीरे धीरे जो है इंटरनेट आगे बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट रुकता नहीं है। तो दोस्तों आज जो इंटरनेट जहां पे है, अब यहां से आगे क्या है, हमारा यहां से अगला क्या स्टेप होगा, तो दोस्तों जो हमारा अगला स्टेप है उसको नाम दिया जा रहा है दोस्तों दी मेटावर्स। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि इंटरनेट जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाता है, लोगों के बीच की कनेक्टिविटी जो है उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। पहले लोग टेक्स्ट के थ्रू बात करते थे, फिर पिक्चर्स आपस में सेंड करने लग गए, फिर वीडियो शेयर करने लग गए, फिर वीडियो कॉलिंग ही करने लग गए सीधा सीधा। तो अब दोस्तों हमारे यहां से अगला स्टेप होगा दोस्तों मेटावर्स, जिसके अंदर अगर मैं आपको आसानी से समझाऊं तो वो एक वर्चुअल स्पेस होगी, वो एक 3D वर्चुअल स्पेस होगी जिसके अंदर दो लोग बहुत ज्यादा दूर बैठे हुए, भले अपने अपने घरों में बैठे हुए लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे और ऐसा लगेगा कि वो दोनों बिल्कुल साथ में एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। और तो और दोस्तों, अगर आपको मेटावर्स के बारे में और ज्यादा समझना है, अगर आपको विजुअली भी देखना है ताकि आप आराम से समझ सके, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, पीछे एक मूवी आई थी आई गेस कुछ साल पहले जिसका नाम था रेडी प्लेयर वन। दोस्तों वो काफी ज्यादा कमाल की मूवी थी, मेरी तो पर्सनल फेवरेट भी है वो, तो वेल मैं तो रेकमेंड करूंगा। और तो और उससे आपको ये मेटावर्स वाले कॉन्सेप्ट पे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर है क्या चीज, तो वो मूवी जरूर देखना दोस्तों। और अगर आपने वो मूवी देख रखी है तो कॉमेंट्स में जरूर लिखो यार वो मूवी कैसी लगी, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो। तो दोस्तों ये मेटावर्स जो है ये सुनने में अच्छा लगता है, ये थियोरेटिकली काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली किया कैसे जाएगा, ये एक्चुअली लोग इसको यूज कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो आपने आज तक ऐसा सुन तो रखा होगा कि
वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस या फिर वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स, वीआर ग्लासेस, ऐसे करके जो बहुत ज्यादा बड़े से होते हैं, जो हमारे आईज को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, उनके थ्रू मेटावर्स का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होगा। अब सब लोगों ने आज तक कभी ना कभी एक बार ही तो वीआर गॉगल्स यूज करे ही होंगे। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम वीआर गॉगल्स यूज करते हैं हम एक सिम्युलेटेड रियलिटी में चले जाते हैं। तो दोस्तों मेटावर्स का आइडिया कुछ ऐसा ही है, आप वीआर गॉगल्स पहनेंगे, आप एक सिम्युलेटेड रियलिटी में चले जाएंगे, जिस एनवायरमेंट में आप और आपके साथ जो आने वाला जो भी एंटिटी है वो दोनों के दोनों एक ही रूम में ऐसा लगेगा है। अब जब दोस्तों आप दोनों एक सेम रियलिटी में आ गए हैं, अब दोस्तों इस रियलिटी में आप गेम्स खेल सकते हैं, आप आपस में काम कर सकते हैं, आप जनरली बस बातें कर सकते हैं। ऑनेस्टली दोस्तों मेटावर्स का कॉन्सेप्ट एक काफी ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ एक वीडियो में बताना तो काफी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेटावर्स जो है आ चुका है। मतलब ये मत सोचे कि आगे जाके 5 साल 10 साल बाद आएगा, अभी ये स्टार्ट हो चुका है मेटावर्स। मेटावर्स एक ऐसी चीज है जो एक कंपनी नहीं बना रही है, मेटावर्स एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज ने अपना अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दिया है बनाना। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो दोस्तों सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड नाम के दो मेटावर्सेस हैं जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है इस टाइम पे। और तो दोस्तों फेसबुक ने भी अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया है, वो भी अपने खुद का एक ऐसा ही वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी कर रहे हैं जिसका नाम वो होराइजन रखने वाले हैं। बाकी दोस्तों हो सकता है मैं मेटावर्स के बारे में आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं डीप डाइव करूंगा इसके एक एक कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि इसके काफी सारे कमाल कमाल के एस्पेक्ट्स हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है। और दोस्तों आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मेटावर्स को लेके, ये चीज दोस्तों कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं आप लोगों के व्यूज पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करूंगा। तो चलो यार इस वीडियो को अब ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियोस में, वीडियोस अब रेगुलरली आएंगी। तो दैट्स इट फॉर मी फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। सो दिस इज अंश साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।